अब जब कोई भी ऐसा नेता जो गांधी खानदान को चुनौती देता है और जो विशेष वंचित परिवार से आता है उसको गांधी खानदान, कांग्रेस पार्टी जलील करती है, अपमानित करती है। जब अमेठी में राजमोहन गांधी जी ने चुनाव लड़ा था, महात्मा गांधी के सर ये पोते, इन्होंने जब चुनाव लड़ा, ही वॉज लिटरली ब्रिक्ड इन शाहगढ़ ब्लॉक, इन शुक्ल बाजार, ही वॉज फोर्सिबली मेड टू सिट इन अ पुलिस स्टेशन, एंड ही द ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी वॉज कॉल्ड नकली गांधी बाय दोज हु यूज़्ड द नेम ऑफ गांधी टू डू देयर पॉलिटिक्स। व्हेन मेनका गांधी वेंट टू फाइट इन इलेक्शन इन 84, शी वॉज ऑल्सो ह्यूमिलिएटेड, एंड व्हेन सर आई डोंट नो व्हाई दे आर अपसेट, दिस इज देयर हिस्ट्री सर। शरद यादव जी व्हेन ही वेंट टू फाइट अमेठी सर, ही वॉज टोल्ड बाय कांग्रेस के नेता कि शरद वापिस जाओ, जाकर अपनी भैंस चराओ। अगर इन्हें इतनी लज्जा आती है कि इनके नेता ने क्या किया, तो मैं कह दूं सात पुश्तें निकल जाएंगी, लेकिन ये पाप नहीं धुलेगा। Nothing is objectionable, sir. I can actually prove it on the table, if so desired, and the evidence will embarrass the Gandhi family even more. That they threw stones at the grandson of Mahatma Gandhi in Amethi. That they humiliated Sharad Yadav in Amethi. That they humiliated Kashi Ram in Amethi. Humiliated every leader who stood up against this family is the truth which can be evidenced in this house. आज आपको पुनः याद दिलाती हूँ कि जब प्रधानमंत्री महोदय ने इसी सभागार में अपने वक्तव्य को राष्ट्रपति जी के प्रति कृतज्ञता के भाव से अपने उद्बोधन को समर्पित किया था, तब उन्होंने इस सदन को और राष्ट्र को याद दिलाया था कि जब जब कोई भी ऐसा नेता जो गांधी खानदान को चुनौती देता है और जो विशेष वंचित परिवार से आता है उसको गांधी खानदान, कांग्रेस पार्टी जलील करती है, अपमानित करती है। आज अमेठी के इतिहास का एक छोटा पृष्ठ आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ महोदय। जब अमेठी में राजमोहन गांधी जी ने चुनाव लड़ा था, महात्मा गांधी के सर ये पोते, इन्होंने जब चुनाव लड़ा, इंटरवेंशन तब जागड़ ब्लॉक में, नंदमहर में ईंटों से, पत्थरों से उनको मारा गया। The intervention of the honorable minister is fully confining to the constituency which she represents. Yes, sir, I'm talking. Yeah. Fight against the Gandhi family was beaten by, sir, he was literally bricked in Shahgarh block, in Shukal Bazar. He was forcibly made to sit in a police station, and he, the grandson of Mahatma Gandhi, was called Nakli Gandhi by those who usurped the name of Gandhi to do their politics. This is Amethi, sir. That when Menaka Gandhi went to fight in election in 84, she was also humiliated. And when, sir, I don't know why they are upset. This is their history, sir. Sharad Yadav ji, when he went to fight Amethi, sir, he was told by Congress ke neta ki Sharad wapis jao, jaakar apni bhais charao. इसलिए आज जब प्रधानमंत्री का ये अपमान करते हैं तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, गांधी के पोत्र को जो ईंटें मारते हैं, वो नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं करेंगे। महोदय, आज मैं अगर इन्हें इतनी लज्जा आती है कि इनके नेता ने क्या किया, तो मैं कह दूं सात पुश्तें निकल जाएंगी, लेकिन ये पाप नहीं धुलेगा। मैं महोदय ये कहना चाहती हूँ कि आज आपने बजट में इंटरवेंशन करने के लिए मुझे मौका दिया। Nothing is objectionable, sir. I can actually prove it on the table, if so desired, and the evidence will embarrass the Gandhi family even more. They threw stones at the grandson of Mahatma Gandhi in Amethi. That they humiliated Sharad Yadav in Amethi. That they humiliated Kashi Ram in Amethi. Humiliated every leader who stood up against this family is the truth which can be evidenced in this house. Sir. No, please. Sir. Please, please.
भारत की भोर है, अमेठी का है, मोदी वंस मोर है, इतना ही। अमेठी की सांसद के नाते प्रधानमंत्री जी को अब तक उन्होंने जितना अमेठी को बजट के माध्यम से, राष्ट्र को बजट के माध्यम से उन्नति के पथ पर लेकर आए उसका आभार, और उनके तीसरे कार्यकाल की मैं अमेठी के नागरिकों की ओर से उनको बधाई देती हूँ। पुनः कहती हूँ, धन्यवाद। मैं भारत का भोर है, इंडिया में मोदी वंस मोर है।